हाँ जी फ्रेंड्स, ये वो गाड़ी जो कठुआ से आई है, मैंने आपको बताया ये क्वालिस गाड़ी है, टोयोटा क्वालिस। कई सालों से ये बंद हो गई हुई है गाड़ी, कस्टमर की डिमांड है जी। इसमें हमने पावर विंडो फिट करवाने हैं एंड सीट कवर लगवाने हैं, मैट्स लगवाने हैं, मैटिंग करवानी है और इसके जो साइड गत्ते होते हैं उसके ऊपर कपड़ा फिट करवाना है। लेकिन ये काम बड़ा मुश्किल काम है जी, बड़ा टफ काम है, क्योंकि इस गाड़ी का सामान अब मिलता है नहीं। इसके डोर वाइज़र भी मांगे हैं इन्होंने, बड़ा चैलेंजिंग काम दिया इन्होंने हमें। लेकिन ये भी वैसे ही हमारे कस्टमर हैं, जैसे कई गाड़ियाँ हैं इनके पास, तो बाकी काम हम करते हैं। ये देखिए, इसके ऊपर मैनुअल पावर विंडो नहीं है, मैनुअल ग्लास ऊपर नीचे होता है। ये गाड़ी के अंदर की कंडीशन है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैटिंग किसी ने ब्लू रंग की कर दी हुई है, बहुत पुरानी है। ये गियर का कुछ बूट वगैरह बनेगा। ये सीटें दिखाता हूँ गाड़ी की मैं आपको। ये जो हमारे पास जब आई है तो इसकी ये कंडीशन है, मैं आपको दिखाता हूँ। फिर हम इसको जैसे रेडी करेंगे फिर आपको दिखाएंगे। ये देखिए, डोर खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए, किसी ने ब्लैक सिल्वर सीट कवर डाले हुए हैं, बड़े काफ़ी पुराने हो चुके हैं, फट फट गए सारे सीट कवर। और इसका पीछे का थोड़ा व्यू दिखाता हूँ आपको। ये पीछे वाला इसका गत्ता है, आप मेरे वीडियो में आगे देखना, हम इसको जब काम कर देंगे तो ये इसकी लुक कैसी आती है। ये देखिए, ये इसके डिक्की वाली साइड के गत्ते हैं। तो ये है जी, इसका पावर विंडो का काम हमने स्टार्ट कर दिया जी। ये देखिए, हमारे लटना फिट कर रहे हैं। ये हमारी दुकान का बोर्ड जैसे हमेशा आपको दिखाते हैं, ये किसी और गाड़ी का हो रहा है जी काम साथ। नंबर इंज दिया कारा जदों यट निकले तक दिया नारा तेरे टन गेड़ा एक ही बथेरा पैरिया ने सहनिया नी हड्डा उते मारा मानका दा मुंडा समझी ना गुंडा नाम पिछे सिंगरम ओ चोटी दे शकीन गजर ने सीना कटना तू अखां कोले मैगनम रखा कटी मेरी गाली विच एक एसन ताली यार यार पंज खास दारी मेरे लखां केव जेजरा दी बीट है चल दी रपीट है खड़क दे शीशे नारे कंपी जांदी सीट है देख बिलो जचदा। हाँ जी गाइस, ये देखिए, अब पावर विंडो का काम हो चुका है। ये देखिए, मेरे फोर मैन इसको करके दिखा रहे हैं जी, ऊपर नीचे ग्लासेस को। गुलू भैया, आप भी करके दिखाओ जरा एक बार, करना नीचे। ये देखिए, अभी बारिश भी हो रही है बाहर हल्की हल्की। ये देखिए जी, ऊपर नीचे हो रहा है। इसमें हमने पावर विंडो फिट की है, तो एक बार इस साइड से भी दिखाता हूँ आपको, शायद उस साइड से क्लियर नज़र नहीं आया। एक मिनट जी जरा। ये देखिए भाई, ये देखिए बिल्कुल ऊपर नीचे हो रहा है, बड़ा फर्स्ट क्लास स्मूथली चल रहा है ये पावर विंडो का जो ग्लास है। तो ये देखिए, हम अब गाड़ी में मैटिंग का प्रोसेस चालू हो गया। ये सबसे पहले हम इसमें निटलॉन लगा रहे हैं जी। नीचे कोई कुशनिंग नहीं है गाड़ी के अंदर, कोई ब्लैंकेट नहीं है, कुछ ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए हमें निटलॉन लगानी पड़ रही है सॉफ्टनेस के लिए। ये मैं दिखाता हूँ, ये हमारे राहुल भैया और मित्तू भैया लगे हुए हैं जी गाड़ी में निटलॉन बिछाने। बड़ी मेहनत का काम है जी। और ये सौरभ है जी, सौरभ और बानू काम कर रहे हैं जी। ये गत्तों का काम चल रहा है, प्रोसेसिंग चालू है। रोहित इनके साथ है, कटिंग करवा रहा है जी। बड़ी परफेक्शन से काम करते हैं जी लड़के, देखिए आप कितनी मेहनत कर रहे हैं जी। उधर राहुल लगा हुआ है जी गाड़ी के अंदर मित्तू भैया के साथ। ये काटा हमने पीस इसमें से। ये देखिए, पहले हमने निटलॉन बिछाई है, फिर उसके ऊपर मैं दिखाता हूँ, नीचे कुछ भी नहीं है, ये निटलॉन बिछाई है, फिर हमने इसके ऊपर मैटिंग कर दी है। मैटिंग का प्रोसेस अभी चालू है, अभी मतलब कि हो रहा है काम, अभी पूरी क्लीन हो जाएगी। और ये है जी, जो हमने एक गत्ता तैयार कर दिया है, अभी इसमें कटिंग होगी। अच्छा, ये बानू अब स्पीकर्स पे आ गया जी, रियर डिक्की में स्पीकर लगा रहा है।
पहले आपने गौर किया होगा, बॉक्सेस में फिट थे स्पीकर्स, उनको बॉक्सेस को हमने रिमूव कर दिया और गत्तों में ही फिट कर दिए स्पीकर्स को। ये सीट्स अब फिट हो चुकी हैं जी, इंस्टॉल हो रही हैं, अंदर गाड़ी से निकाली हुई थी, सो दोबारा हम इसको फिट कर रहे हैं। ये देखिए, एक सिंगल सीट का व्यू दिखाता हूँ, कितना खूबसूरत आया जी। ये एक जगह है जी, यहाँ देखिए ध्यान से, ये जो जगह है यहाँ पे एसी की पाइप्स हैं, ये देखिए, और ये बड़ा गाड़ी में बड़ा भद्दा सा लगता है। इसकी जगह पे मैंने स्किन को ये काम करवा के दिया। अब गौर करना जरा, ये स्टील की शीट लगवा दी है, अभी ऊपर वाली साइड एक पीस लगेगा, नीचे की तरफ कवर हो गया, वो बाद में दिखाऊंगा मैं आपको। तो गाइज ये तो था जी जो हमने काम किया जी गाड़ी में। अब गाड़ी रेडी हो चुकी है जी, आज गाड़ी लेने आ रहे हैं जी, वो गाड़ी चली जाएगी। सौरभ दिखाओ जरा गाड़ी, डिक्की खोलना जरा एक बार, अनलॉक करवाओ पहले। हाँ जी, ये देखिए जी पीछे से, अभी थोड़ा कस्टमर का सामान रखा हुआ है, शूज़ वगैरह टूल है कुछ ऐसे पड़ा हुआ है। तो ये मैटिंग हो चुकी है जी, और गत्तों का काम भी हो गया, स्पीकर्स भी फिट हो गए। ये देखिए स्पीकर प्रॉपर प्लेस पे, जैसे उन्होंने बोला था वैसे इंस्टॉल कर दिए हमने। हाँ जी, इस साइड भी देख लीजिए। तो ये सीटों का थोड़ा रियर व्यू दिखाता हूँ आपको, सीटें पीछे से कैसी लगती हैं सीट्स। लो जी, गाड़ी की साइड भी आइए, ज़रा दिखाते हैं आपको। स्टिकर्स लग गए, डोर वाइजर लग गए, गाड़ी का लुक आपको याद होगा जब वीडियो स्टार्ट हुआ था उसका, और अब काफ़ी लुक में चेंज आ चुका है। दिखाते हैं जी आपको, ये भी गाड़ी पुरानी है थोड़े, इसके डोर बड़े टाइट हैं। ये तो गाड़ी के अंदर का व्यू दिखाता हूँ जी मैं आपको, ये देखिए सीट कवर्स हमने फिट किए, कितने खूबसूरत लगे हैं जी सीट कवर, बड़ा ब्यूटीफुल लुक है। जैसे पुरानी गाड़ी थी और सीटें डिफरेंट थी, जैसे थोड़ा मिक्स सीटें थी, कोई गाड़ी किसी की थी, कोई किसी गाड़ी की सीट थी, बट हम उसके अकॉर्डिंग हमने सीट कवर रेडी करवा ली हैं। ये हमारे गाजीगुला हैं जी जिन्होंने ये सीट कवर तैयार करके दिए हैं, मिस्टर नरेश अग्रवाल, गाजीगुला जगह का नाम है। तो ये स्टेयरिंग कवर हमने इसमें चेंज कर दिया जी, ये खुद बनवा के हमने दिया इनको, एम्ब्रॉयडरी वाला कपड़ा लगाया जी, गत्तों पे लगा दिया जी एम्ब्रॉयडरी वाला कपड़ा। और मैं आपको दिखा दूँ, ये हमने गियर का बूट बना दिया जी इनको, एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े से बना दिए। अच्छा जी, और ये गत्ते लग गए जी, पावर विंडो के स्विचेस यहाँ पे इंस्टॉल हो गए। ये भी रियर सीट्स हैं जी जो अलग अलग लगी हुई हैं, ये इन्होंने ऐसे बनवाई हुई हैं, अलग अलग सीटें हैं, कोई इनका पता नहीं है कौन सी गाड़ी की सीट है ये, बट फिर भी हमने इनको रेडी करवा के दिए हैं। थोड़ा लिटिल बिट लग रहा होगा आपको कि सीट कवर में थोड़ा लूज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है, बाद में ठीक हो जाएंगे। काफ़ी हद तक वैसे हमने इसको परफेक्शन दी है, बट फिर भी ये बड़ा चैलेंजिंग काम था क्योंकि सीटें पता ही नहीं है कौन सी गाड़ी की है। तो हमने ऑर्डर पे बनवाए हैं खुद अपना साइज़ दे के, ये साइड गत्ते हैं, इस पर सारा एम्ब्रॉयडरी वाला कपड़ा लग गया जी। ये कपड़ा यूज़ होता है जी 70 मैट्स में, और ये हमने सेंटर लॉकिंग लगाई है जी गाइज, मैं दिखाता हूँ जी क्रॉसलिंग व्हील्स की। जब इससे लॉक करते हैं गाड़ी तो जो ग्लासेस हैं अपने आप ऊपर जाएंगे, जैसे अगर कोई शीशा खुला भी है तो अपने आप ऊपर चला जाएगा। मैं दोबारा करके दिखाता हूँ जी आपको, जैसे हम सेंटर लॉकिंग का बटन दबाएंगे, गाड़ी को लॉक करेंगे, तो इसके जो शीशे खुले हैं, जो ग्लासेस डाउन हैं, वो सारे अपने आप ऊपर चले जाएंगे। ये देखिए, अब हमने इसको लॉक किया है तो ये शीशे अपने आप बंद हो जाएंगे, थोड़ा सिक्योरिटी रीजन की वजह से, और वैसे भी अच्छा लगता है, आजकल डिमांड करते हैं कस्टमर ऐसी चीज़ों की। तो फिर भी ये कॉलेज गाड़ी काफ़ी पुरानी गाड़ी थी, फिर भी कस्टमर जो है मिस्टर संजीव है जो कठुआ से, शौकीन आदमी है, इन्होंने बोला जी सारे काम करके दो। हमने सेंटर लॉकिंग लगा दी, पावर विंडो लगा दी, स्टिकर्स लगा दिए, डोर वाइजर्स लगा दिए, सीट कवर चेंज हो गए, मैटिंग कर दी है, और जी जो करेक्शन करने वाली थी कुछ स्टीरियो वगैरह में, हमने सब कुछ